आज बल्ह से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने रिवालसर बाजार में चुनाव प्रचार किया और रिवालसर की जनता से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस मौके पर रिवालसर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश से मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बल्ह के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उनका कहना है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही आएगी। आज माननीय प्रकाश चौधरी की जो हमारे बल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी रहनुमाई में इतनी बड़ी रैली हो रही है और हजारों की संख्या में इसमें लोग हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। बल क्षेत्र से इंदिरा गांधी हारने वाले हैं और भारी बहुमत से बल में ही नहीं मंडी जिला में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हमारी लगभग 50 के ऊपर सीटें आने वाली है। लोगों में गुस्सा है, बेरोजगारी, महंगाई का और जितने भी पेपर हुए हैं एग्जामिनेशन बच्चों के रोजगार के लिए उसमें जो घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, सिलेंडर की जो महंगाई है, आम चीज़ों की जो महंगाई है, उसका लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रोष है। और मैं ये विश्वास के साथ आज इस रैली को देख के कह सकता हूँ कि बहुत ही भारी बहुमत से प्रकाश चौधरी बल से विजयी होंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो महिलाओं का हजूम आप देख रहे हैं, महिलाओं में, नौजवानों में, बेरोजगारों में, युवाओं में, इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत ही रोष है, आक्रोश है और ये वोटों के तौर पर तब्दील होगा और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए रिवालसर से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।